गुड मॉर्निंग राधे राधे, स्वागत है आप सभी का हमारे फूलों के शहर कन्नौज में। और अभी सुबह 12:01 बज रहा होगा, 11 बजे मैं घर से निकली थी, 11-12 बजे टाइम, मैंने टाइमिंग देखी नहीं थी। तो बस मैं जा रही हूँ घर, अचानक से एक फ़ोन आ गया था, मम्मी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो फिर हाँ बस मैंने 2 सूट डाले बैग में और बस मैं निकल ली। तो रिक्शे पे हूँ, पहले मैं बस पे बिठा दिया था मैंने और मुझे गुड़साहिबगंज। और आज हमारे यहाँ जागरण है, फिर भी मैंने देख नहीं पाया जागरण। कोई बात नहीं, अचानक से फ़ोन आया, फिर मुझे फिर मन नहीं कमाना और फिर मैं चली आई हूँ यहाँ पे। अभी बाजरे की खेती चल रही है शायद, और ज़्यादा मुझे जानकारी नहीं है, बस इतना ही मुझे पता है ये बाजरा क्या खेत है। बाजरा खड़ा हुआ है जो इसे मतलब ऊपर ऊपर से काट लेते हैं। संतम सकल सुकृत फल राम सुनीव, काल नेम कल कपट निधानु, नाम सुमित सुमिरत हनुमानु, राम नाम नर केसरी, कनक कसेपो कलिकाल, जापक जन प्रहलाद जिम पालई चले सुर साल, लखन सिया राम चंद्र की जय। भाई को भाई अनक आलसम, सुमिर सुनाम राम गुण गाता समशीला, समदर सी जाने हरि लीला, जाने तीन काल निज ज्ञाना, करतल गत आमलक समाना, और जे हरि भगत सुजाना, कहें सुने समु। फिर मैंने चाय वगैरह पी, और यहाँ पे ये भतीजे लग रहे थे, बहुत सारे लोग बातें कर रहे थे, मैं भी बैठी हुई थी। और यहाँ पे लाइट देखो, सारे गांव में जगह जगह लाइट नहीं लगी हुई थी, वो लगी हुई थी, तो वही मैं दिखा रही थी। तो बस मोहन थे, अनुज थे, हम लोग आपस में बातचीत करते हुए फिर मैं मंदिर की तरफ निकल गई। मैंने कहा फिर सुबह तो भागो भागो जाना हो जाएगा मेरा, तो फिर मैं मंदिर की तरफ निकल गई अकेले। फिर बाद में मुझे याद आया कि मंदिर में सांप रहता है, जब मैंने पूरा वीडियो बना लिया, लाइटिंग वगैरह बहुत अच्छी व्यवस्था अब हर गाँव में हो रही है, अब गाँव नहीं रहे। पहले गंगा पार में सब लोग कह रहे थे गंगा पार जैसा, ऐसा कुछ भी नहीं है अब गांव। हमारा जलालाबाद ही कैसे कितना बदल गया है जलालाबाद। पहले तुम्हारे गांव मतलब सब लोग कहते थे, और जब से मेरी शादी हुई है तब से तो सब ठीक ही है, गांव से नहीं लगता है। और जिस दिन मार्केट लगी हुई उस दिन देखना आप लोग, यहाँ पे देखो पेड़ पौधों के बीच में लाइट लगी हुई है, कितनी सुंदर लग रही है। और ये भोले बाबा का मंदिर, ये पटिया ये सही से करवा दिया है, पहले टूट गया था पेड़ की वजह से, पेड़ गिरा था तो वो टूट गई थी, तो सही करा दी। और ये पेड़ों के बीच में लाइटिंग है, बड़ी सुंदर लग रही है यहाँ पे, बड़ा अच्छा लगा, मन एकदम खुश हो गया। और पता जब पूरा वीडियो बना लिया मैं जा रही थी, तब मुझे याद आया कि मंदिर में सांप भी रहता है, फिर मैं भागी एकदम से। और चली जाती, मैंने कहा चली जाती क्या हो जाता, लाइट तो वगैरह तो थी, देखो कितने सुंदर पेड़ लग रहे हैं, सच में मन एकदम खुश हो गया। भैया रामायण वगैरह, मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब थी, और मैं यहाँ पे खा रही हूँ पूड़ी। दीदी पता नहीं क्या बता रही थी, दीदी को छींक आ रही थी, मम्मी दी इसका दीदी खाना खाओगे, करे नहीं खाएंगे, और तो दही दीदी भाभी ने कटोरी भर के दही दिया है मुझे, तो मैं खा रही हूँ आलू फ्राई। और अनुज से कह रही थी मैं, वो भी जा रहा है, तो सबको सबके लिए बेचारी क्या करें, कुछ नहीं बना पाया। दीदी मुझसे कुछ कह रही, दीदी जाएंगी बाद में, मैं जाऊंगी जल्दी, क्योंकि मैं अकेली हूँ और दीदी के साथ है मोहन, तो दीदी को इतनी टेंशन नहीं है। तो दीदी मम्मी को मैं काफ़ी बुलाती रही, भैया रोज़ रामायण सुबह शाम हाथ पैर धुल के सुबह शाम रामायण, जब जाते हैं अपनी दुकान पे तो रामायण सुना के जाते हैं, आते तो सुनाते हैं रोज, कहते हैं अब इनकी हालत ऐसी है तो जब तक अभी ये हैं तब तक हम सुनाएंगे। डॉक्टर से कहा तो डॉक्टर ने कहा इनकी नस वगैरह है, सब काम करना बंद कर दिया है, इनको लेके जाओ तो लेके जाओ, भाई हम कुछ नहीं कह सकते इसमें, लाकर बैठे हुए हैं। और यहाँ पे बंदर नहीं है, तो यहाँ पे देखो लौकी है, तोरई है, करेला, और ये सारी है कुंदरू,
कुंदरू भी लगे हुए थे छोटे छोटे, और यहाँ पे ये अंगूर की बेल है, बहुत सारे अंगूर पिछली बार हम आए थे बहुत सारे लगे हुए थे। और अनुज अपनी ड्रेस वगैरह पहन के तैयार हो चुके हैं, अभी कुछ भी हम इनके यहाँ साफ सफाई भाभी के यहाँ नहीं, बेचारी कर ही नहीं पाई, मम्मी में ही लगी रहती हैं, करें क्या। अभी ने कोई देखो तो रही थी मुझसे, कह रही थी रुक जाओ, ये देखो छोटी छोटी तोरी लगी हुई हैं, ये करेला लगे हुए हैं छोटा सा, और क्या करें क्या, सफाई बेचारी एक बार में लीप चुकी हैं पूरा घर, और मुझसे कह रही थी ये संतरे का पेड़ है, और एक बार दीदी कह भी चुकी थी, भाभी भी कह रही हैं कि दीदी रुक जाओ भैया, कैसे रुक पाए बच्चे हैं, और मेरी भी तबीयत सही नहीं है। अनुज देखो, अनुज तैयार है, राघव तो चले भी गए, मैंने दिखा भी नहीं पाया था, अनुज कह रहे हैं। और ये मिर्च का पेड़ है, इतने छोटे छोटे करेला नीचे लगे हुए हैं, ये देखो तोड़े कितने अच्छे, कद्दू मैंने नहीं दिखा पाया, बहुत अच्छे कद्दू लगे हुए थे, छोटे छोटे हरे वाले कद्दू थे। लगन को कोई टेंशन नहीं बेचारे अपने, वो भी बहुत मेहनत करता है। अनुज निकल नहीं रहे, मैं उससे कह रही थी अनुज निकलो निकलो, मोटरसाइकिल साइकिल पे दिखाएंगे मुझे, मैंने कहा बच्चे पढ़ने वाले तो साइकिल से ही जाते हैं, और नहीं हमने की बाइक से जाते हैं, मैंने राघव ने भी इंटर कर ली थी उसके बाद ही उसे बाइक दिलवाई गई थी, जा नहीं रहा है शैतान। कह रहा था अब जा रहा है, कह रहा बाइक साइकिल दिखा रही है मुझे, मैं कब बच्चे पढ़ते हैं वो साइकिल से जाते हैं, मैं भी 4 साल साइकिल से ही गई थी, नाइन्थ से लेके इंटर तक मैं बाइक, जिस स्कूल में ये जाते हैं उसी में मैं भी गई थी। तो अनुज चले गए हैं, बस अब मेरा भी बैग बिल्कुल पैक है, बस मैं घूम ही रही हूँ थोड़ा इधर उधर, मम्मी से कहती रही मम्मी उठो मम्मी आँखें खोलो, मम्मी ने एक भी बार बोला नहीं, इतना बुरा लगा, कुछ कह नहीं सकते। और इसी के साथ मैं वीडियो का एंड करूँगी, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे वीडियो नोटिफिकेशन आपको डेली मिलती रहे। पापा मेरे बैठे हुए थे भेजने के लिए, मम्मी बेचारी आ नहीं पाई, बड़ा बुरा लगा, मोहन मुझे छोड़ देंगे वहाँ तक, फिर मैं चली जाऊँगी, भैया ने कहा था मैं छोड़ दूँगा, फिर मैं यहाँ पे हाईवे पे आके उतरी तो दीदी ने बुला लिया, उन्होंने चाय वगैरह पिलाई, और दीदी का ये मोर इसकी जितने तारीफ करो उतना ही कम है, दीदी ऐसे इसको रोटी खिलाती हैं, और मतलब मैं बार बार मेरी तरफ देख रहा था, दीदी का ये आपको जानता नहीं है इसलिए ये देख रहा है, वैसे जो दीदी के बेटे को कोचिंग पढ़ाने भैया आते हैं उनको जानता है, उनके पास चला जाता है, दीदी के पीछे लगा रहता है, देखो छत पे चला जाता है, कहते एक और भी है वो नहीं आया, तीन रोटियां खाता है एक बार में। दीदी कहती हैं कि कभी कभी अगर आटा ख़त्म भी हो जाए तो मुझे दोबारा गूंद के इसके लिए बना के रखना पड़ता है। तो इसी के साथ मैं वीडियो का एंड